आनंद जी धन्यवाद कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली और आज़ादी के बाद से कांग्रेस की पॉलिसीज और कांग्रेस के सांसद का रायबरेली को बहुतायत लाभ हुआ है तो रायबरेली और अमेठी इनफैक्ट दोनों जिलों को सोनिया गांधी जी की सीट है और फिरोज गांधी जी से शुरुआत होकर के इंदिरा गांधी जी की सीट रही है ये तो रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है तो एटलीस्ट रायबरेली अमेठी हम आज भी बेहतर उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस एक अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में लेकर के आएगी आ, बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश की एज अ होल विधानसभा चुनाव में तो आ, पार्टी ने पिछले दो सालों में आ, हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार संगठन में परिवर्तन किए हैं आ, ओल्ड लॉट के साथ साथ नई लॉट को भी जोड़ा है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो जिम्मेदारियाँ थी वो यूथ के हाथ में ज़्यादा हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लल्लू जी आ, वो भी आपको आ, एक बेहतर अपोजिशन के नेता के रूप में नज़र आते हैं इनफैक्ट इस पूरे कोविड काल में और उसके बाद भी आ, बीजेपी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में अगर कोई पार्टी ग्राउंड पर बेहतर उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाई है महंगाई जैसे मुद्दों को और कोरोना में जो समस्याएं हुई लोगों को लोग जो आ, जो लोगों को अभाव झेलना पड़ा दवाई का संसाधनों का और दूसरी जगह से माइग्रेट होने में बीस तरीके की दिक्कतें आई कैजुअलिटीज़ हुई और डाटास को छुपाया गया बीजेपी गवर्नमेंट में इन सब चीज़ों को कांग्रेस ने और हमारी नेता जी ने प्रियंका गांधी जी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े बेहतर तरीके से पब्लिक के बीच में लाया जिसका आने वाले इस चुनाव में परिणाम बीजेपी को दिखाई देगा और कांग्रेस उस चीज़ का लाभ भी उस चीज़ का पार्टी के रिजल्ट में लोगों के बीच में रहने का उस चीज़ का लाभ नजर आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनाव में हम एक अच्छी और बड़ी पार्टी निकल करके एक मजबूत पार्टी के रूप में निकल करके आएंगे जैसा कि आपके यहाँ से विधायक थे अदिति सिंह जी कांग्रेस के और एक और विधायक हैं आपके हरचंदपुर से भी जी। तो कौन से चेहरे होंगे पार्टी के लिए यहाँ रायबरेली में आ, मैंने बताया आपसे आनंद जी कि पार्टी रायबरेली कांग्रेस है और कांग्रेस रायबरेली है तो नेता आते जाते रहे हैं यहाँ यहाँ कांग्रेस में शामिल लोग इसलिए होते हैं क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है हमें एक वोट बैंक कांग्रेस का एक सपोर्ट की तरीके से मिलेगा बाकी फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है हर नेता की कुछ लेवल तक तो चाहे सदर हो या हरचंदपुर हो यहाँ नेताओं की कमी नहीं है एक जाएगा तो चार और निकल करके आएंगे और रायबरेली अमेठी कांग्रेस के लिए हमेशा की तरीके से बेहतर रहेगा प्रियंका जी ने अभी काफ़ी महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट्स किए हैं चालीस परसेंट कैंडिडेट्स भी देने का उन्होंने वादा किया है चार सौ तीन सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और स्कूटी हो या स्मार्टफोन हो फिर दस हज़ार रुपये आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर के वेतन को भी बढ़ाने की उन्होंने बात की तो इन सब घोषणाओं के बाद आपको क्या लगता है पार्टी की स्थिति में कुछ बदलाव होगा जो महिलाओं पे वो बात कर रही हैं प्रियंका जी जिस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है तो इससे क्या फ़र्क दिखेगा यहाँ खास करके रायबरेली में महिला हमारे समाज का आधा हिस्सा है और हमेशा से सिर्फ एक दिखावा होता रहा है और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो 33 परसेंट आरक्षण लेकर के महिलाओं के लिए आई पंचायत चुनावों में उनका जो रिज़र्वेशन है वो फिक्स किया गया वो कांग्रेस गवर्नमेंट की ही देन थी तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के लिए ये जो नई योजनाएं या जो चीज़ें हमारे नेता ने पब्लिक डोमेन ने रखी हैं ये सिर्फ शुरुआत है और आप देख सकते हैं कि उसके बाद से अन्य पार्टियां भी एक भेड़ चाल की तरीके से महिलाओं के मुद्दे वापस उठाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं तो ये बताता है कि महिलाओं का मुद्दा सिर्फ़ एक मुद्दा नहीं है वो एक ज़रूरत है समाज की जिसे हमारी माननीय नेता जी ने एक महिला होते हुए और उस समाज का हिस्सा होते हुए और इस समाज का नेता होते हुए उनके दिक्कतों को पहचानते हुए उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये नई नई स्कीम्स का उन्होंने एक तरीके से आगाज़ दिया है संतोष जी आपने एम टेक इंजीनियरिंग की थी फिर आपकी मुलाकात हुई दिल्ली में प्रियंका गांधी जी के साथ उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आए तो कुछ बता सकते हैं कि आखिर क्या इंस्पायर किया उन्होंने कि आपने अपनी जो अच्छी इंजीनियरिंग की जॉब थी उसको छोड़कर आप पॉलिटिक्स में इंटर हुए यहाँ पे जब आपकी किसी से आइडियोलॉजी मैच करती है तो आप उससे बहुत इंस्पायर होते हैं तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी या माननीय नेताजी प्रियंका जी की आइडियोलॉजी सेंटर लेफ्टिस्ट एक आइडियोलॉजी कही जाती है थियोरिटिकल सोशल साइंस में जिसमें आप एक न्यूट्रल राह लेते हुए गरीब और दबे कुचले समाज के हिस्से के लिए एक एम्पैथी की सिंपैथी की सोच रखते हो तो जब प्रियंका जी से मुलाकात मेरी हुई जे कैंपस में तो इन्हीं टॉपिक्स पे उन्होंने एक छोटी सी सभा टाइप की थी उनमें बोलिया बात की मेरी उसके बाद निकलने के बाद उनसे बात हुई तो उन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होने की वजह से और मेरी खुद की भी आइडियोलॉजी क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड समाज सेवा से जुड़ा रहा है माता जी लगभग 25 साल प्रधान रही हैं तो नेताजी के आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी को इंसिडेंटली सेम है इसलिए उनसे इंस्पायर होकर के हम इस चीज़ में और बेहतर तरीके से उतरे राजनीति में सो दिस वॉज संतोष सिंह जी हु क्लियरली इंडिकेटेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंजेस दैट प्रियंका गांधी हैज़ बिन ब्रिंगिंग फॉर द लास्ट वन एंड हाफ ईयर इज गोइंग टू पे डिविडेंस फॉर द पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शन फॉर द न्यू इंडियन आनंद सिंह For more such fine stories and video reports from Field, subscribe to our channel, The New Indian.